दोस्तों, तो जब आप अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप चलाते हैं और लोगों के स्टेटस देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टेटस भी होते हैं जिनको आप चाहते हैं कि आप अपने स्टेटस पर लगाएं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप उनसे उस स्टेटस को मांगते हैं। उसमें क्या कई बार तो होता है वो जल्दी से हमें वो स्टेटस सेंड कर देते हैं, कई बार वो सेंड नहीं करते हैं या काफ़ी टाइम बात करते हैं सेंड। तो इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैं आपको एक ऐप बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप जो है बहुत सिंपल तरीके से किसी भी स्टेटस को बिना मांगे हुए सेम स्टेटस वही लगा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को पसंद आती है तो वीडियो को पसंद जो है लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर मैं चला जाऊँगा प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा स्टेटस। देखिए नीचे आ गया स्टेटस सेवर डाउनलोड, ये ऐप है, ठीक है, पहले नंबर वाली ये आप देख लीजिए, ये ऐप है स्टेटस सेवर डाउनलोड, वीडियो डाउनलोड सॉरी। इस ऐप को आपको जो है अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा हुआ है तो इस वजह से ये यहाँ पर ओपन दिखा रहा है। तो यहाँ पर इंस्टॉल आएगा, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैं इस ऐप को ओपन करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे आपको अपने मोबाइल किसी दूसरे का स्टेटस अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है, या फिर आप जो है डाउनलोड ना करके डायरेक्टली आप स्टेटस पर ही लगा सकते हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, डायरेक्टली आप स्टेटस लगा दीजिए, ठीक है। तो उसके लिए हम इसे ओपन कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम दे रहा है ओपन होने में। तो देखिए यहाँ पर भी ये ओपन हो गया है। अब देखिए यहाँ पर नीचे ये सारे स्टेटस जो हैं ये मोबाइल पर मेरे जो लगे हुए हैं, ठीक है। तो इन स्टेटस में से मुझे जो भी स्टेटस चाहिए मैं अपने फ़ोन पर लगा सकता हूँ। सपोज़ मुझे ये वाला फर्स्ट नंबर वाला गुरु जी का स्टेटस है, ये लगाना है। तो इसके लिए मुझे करना क्या है, सिंपल यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ये स्टेटस आ गया। अब देखिए ये जो बीच में आ रहा है ये एरो का निशान, ठीक है, नीचे को अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा, देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये स्टेटस जो मेरा डाउनलोड हो गया, ठीक। अगर मैं इसे सेंड करना चाहता हूँ, देखिए व्हाट्सएप पर मैं यहाँ पर क्लिक करके इसे सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में अगर मुझे सेंड नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि जो स्टेटस है वो डायरेक्टली जो है लग जाए, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं बिना स्टेटस को डाउनलोड किए हुए। ये ऐड हम स्किप कर देते हैं। देखिए तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने स्टेटस आपको फिर यहाँ पर क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे डाउनलोड ना करूँ, ना किसी को सेंड करूँ, डायरेक्टली जो है मैं अपने स्टेटस पर लगा लूँ। तो यहाँ पर देखिए शेयर का जो निशान बना हुआ है इस पर मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर व्हाट्सएप की और सारी ऑप्शंस आ गए, मैं व्हाट्सएप पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सेंड टू पर आ रहा है, तो सेंड टू पर मैं यहाँ किसी को सेंड नहीं करूँगा, अपने स्टेटस में इसे ऐड कर दूँगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है भैया। तो यहाँ पर देखिए मैं स्टेटस पर मैंने ओके किया और इसे लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टेटस अपने मोबाइल पर लगा सकते हैं।